हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ ये थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि अभी अभी मुझे एक कुरियर आया है और वो कुरियर मुझे नहीं पता किसका है, कैसे है, मेरे घर पे कैसे आया, नहीं पता, नो आइडिया, क्योंकि मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है जो कि मुझे पता हो कि मेरे घर कुरियर आना है। तो ये जो कुरियर का बॉक्स है ये अभी मुझे डिलीवर हुआ है, और सबसे मेन कि इस पर कोई एड्रेस भी नहीं है, किसने ये भेजा है वो भी नहीं है, बस इस पर मेरे घर का एड्रेस है, साथ में ही जो वहाँ पे रिटर्न करना है हमें ये वो रिटर्न जिस कंपनी से ये आया है वो एड्रेस इसमें दे रखा है, बाकी इस पर कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगा क्यों ना ये किसने भेजा है, कहाँ से आया है, तो क्यों ना इसके ऊपर एक शूट किया जाए और आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँ और पता करते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या, कहाँ से ये गिफ्ट आया है क्या नहीं है इसके अंदर, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं इसको ओपन, क्योंकि मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है और मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ कि आखिर इसके अंदर है क्या और ये किसने भेजा है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि आखिर इसमें क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इसको ओपन करना। तो चलिए ये गिफ्ट ये बॉक्स हम ओपन करके देखते हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे नाइफ, क्या है भाई इसमें देखते हैं। तो ये हो चुका है ओपन, ऐसा लग गया क्या अभी। तो ये हो गया है ओपन, अरे वाह इसमें क्या है भाई, ये माई गॉड। तो इसमें है ये राखी, ये राखी भेजी है मेरी प्यारी सी ननद ने। तो चलिए मैं इसमें आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या निकला है, एक मग साथ ही एक और ये है कुछ इसमें, ये सामान है इसके अंदर, इसमें क्या है वो, इसमें भी एक और मग है। ओके तो इसको करते हैं साइड, इसमें है देखिए ये सामान, ये मग, एक ये मग, साथ ही ये है इसमें ग्रीटिंग कार्ड है शायद इसके अंदर, ओ वाओ इसके अंदर है ग्रीटिंग कार्ड, हैप्पी रक्षाबंधन लिखा हुआ है अंदर, इसमें विशेज हैं, साथ ही इसमें है ये रोटी चावल, एक है इसमें ये किविंग ब्रो, साथ ही इसमें है ये बाकी राखियाँ, और इसमें लिख रहा है स्वीट भाभी, और मेरी स्वीट सी ननद ने ये भेजा है मुझे, और इस पर लिख रहा है एडोरेबल भैया। तो मेरी प्यारी सी स्वीट सी सिस्टर इन लॉ के ये गिफ्ट्स हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो गाइज ये था सरप्राइज़, मुझे कुछ नहीं पता था कि इसमें क्या है, तो ये भेजा है मेरी प्यारी सी स्वीट सी सिस्टर इन लॉ ने। तो मेरी इकलौती ननद है, बहुत प्यारी है वो, और एज ए हम लोग एज ए फ्रेंड हैं, तो जब से मेरी शादी हुई थी तभी से वो मेरे साथ में बिल्कुल फ्रेंड की तरह है, कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि वो मेरी ननद है या उन्होंने कभी ऐसा ननद वाला रिएक्शन दिया हो या कुछ ऐसा किया हो जो मुझे लगे ऐसा फील हो, और मैं भी उनके साथ हमेशा एज ए फ्रेंड ही रही हूँ, कभी वो भाभी वाले काम नहीं हुए हम लोगों के बीच। तो हम लोगों का रिलेशन एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है, हम लोगों के बीच में एक काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तो ये स्वीट भाभी का उन्होंने मुझे मग भेजा है, तो थैंक यू माई स्वीट सिस्टर इन लॉ, मेरी स्वीट सी ननद जी, थैंक्स अ लॉट। हम आपको बहुत मिस करेंगे राखी पे, क्योंकि इस बार आप नहीं आ पाए हो, लेकिन कोई नहीं, आपकी राखी, आपका ये गिफ्ट मुझे बहुत बहुत पसंद आया और इसको मैं तहे दिल से एक्सेप्ट करती हूँ, एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच दी, आपने हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स भेजे ये और इतनी प्यारी सी राखी भेजी हैं और कप्स भेजे हैं उसके साथ में ये गिफ्ट्स हैं, तो बहुत अच्छा लगा आपका ये गिफ्ट मिलने के बाद में। तो मैं भी भगवान से प्रे करती हूँ कि वो आपको हमेशा खुश रखे, आप हमेशा ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहें, अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें। तो ये था मेरा गिफ्ट, आपको भी पता चल गया होगा कि एक आइडिया मिल गया होगा, आप भी इसी तरह से आके गिफ्ट भेज सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने पापा मम्मी को, अपने भाई बहन को, किसी को भी आप इसी तरह से गिफ्ट भेज सकते हैं। तो ये सरप्राइज़ गिफ्ट था, मैं सरप्राइज्ड हो गई और बहुत ही खुश हुई ये गिफ्ट मिलने के बाद में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपने मेरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।